दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट और डिटेल में हम इन डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जिम विद्या पर, जिसके माध्यम से हम आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और लीगल कंप्लायंसेस में हेल्प करते हैं। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। दोस्तों, अगर आपने सोच लिया है कि अब आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है और जानना चाहते हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो आइए समझते हैं आपको इस बिजनेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट और क्या प्रोसेस रहने वाली है। देखिए, स्टेप नंबर वन है, आप अपने बिजनेस का एक नाम सोचिए। नाम में आप ग्लोबल, इंटरनेशनल जैसे वर्ड आगे लगा सकते हैं। मान लीजिए आपकी फर्म का नाम एक्स वाई जेड इंटरनेशनल है, तो एक्स वाई जेड इंटरनेशनल को रजिस्टर्ड कराने के लिए, अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करानी है। और ये कंपनी, अपनी फर्म आप तीन तरह से रजिस्टर्ड करा सकते हैं, या तो आप प्रोप्राइटर बिजनेस में करा सकते हैं इसको, या फिर आप पार्टनरशिप फर्म को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। इन तीन मेथड से, तीन तरह से आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर प्रोप्राइटरशिप की बात करूँ, एक सिंगल ओनर होता है, ज़्यादा लीगल कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं पड़ेगी आपको। आपके आधार, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, सिंपल नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन से आपका काम चल जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा लोग हैं, किसी ने इन्वेस्ट किया है, कोई मेहनत करना चाहता है, तो आप पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। और उससे बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं तो दोस्तों आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर भी काम कर सकते हैं। इन तीनों ही केस में जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है अगले स्टेप में, वो आपको एक GST का सर्टिफिकेट लेना है, GST में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। नॉर्मली काफ़ी लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर एक्सपोर्ट पर तो GST लगता ही नहीं है, या 40 लाख की अगर सेल है तो उससे ऊपर जाएंगे तो GST लगेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए, GST आपको यहाँ पर लेना लगभग कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बिकॉज GST के बिना कुछ भी आपका यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा। तो आप GST सर्टिफिकेट ले लीजिए। GST आप लेंगे, आपको 10 से 15 दिन के अंदर इजिली आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको लेके देंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, और ये बैंक अकाउंट ऐसे बैंक में ओपन करना है जहाँ पर फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स यानी कि जो डॉलर्स में आप पैसा लेंगे, वो इनवर्ड आ सकता है और जा सकता है। तो एक ऐसा बैंक अकाउंट आपको ढूंढना है जिस बैंक अकाउंट के अंदर ये सुविधा हो, जहाँ पर आप फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट कर सके और पे कर सके, राइट। तो बैंक अकाउंट आपका ओपन हो गया, आपने कंपनी रजिस्टर्ड कर ली, GST आपको मिल गया। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है MSME, जिसे उद्यम भी बोलते हैं। लाइफ टाइम में एक बार लिया जाता है। इसके अंदर जो जो प्रोडक्ट में आप डील करते हैं वो ओपन रहते हैं, उन्हें खोलना पड़ता है। और दोस्तों ये उद्यम सर्टिफिकेट आपके बड़े काम का है। बहुत सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स ऐसे आपको तभी मिल पाएंगे तब आपके पास उद्यम यानी MSME सर्टिफिकेट होगा। तो ये भी ले लीजिए आप, आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। और देखिए, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, कस्टमर को ट्रस्ट जनरेट करने में उतनी ही आपको हेल्प होगी। आपको नहीं जानता आपका बायर, आप बायर को नहीं जानते, वो कैसे आप पे ट्रस्ट करे आपके डॉक्यूमेंटेशन देख के। उसके अलावा दोस्तों आपको IC कोड लेना है, जिसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस भी कहते हैं। अगर इंडिया के अंदर आपको एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना है तो आपको IC कोड लेना मैंडेटरी है। IC कोड लाइफ टाइम में आपको एक बार लेना है और एवरी ईयर आपको अपडेट करना है। हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो है, वो जाकर आप देख सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको लेने हैं। उसके अलावा चलते हैं आगे और जानते हैं फॉर्म। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट का कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट की काफ़ी ऐसी स्कीम है जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस में आपकी हेल्प करती है, तो अगर आप उन स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा किसी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी EPC में। अगर आप हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों में काम करते हैं तो एबेडा में आपका होगा। तो दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, जिन्हें कलेक्टिवली एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कहा जाता है। और जो ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो मेंबरशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसे RCMC कहते हैं, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो ये RCMC लेना मैंडेटरी नहीं है,
लेकिन अगर आप ले लोगे तो ये आपकी हेल्प करते हैं, आपको एग्जीबिशंस में हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट के जब सवेर जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तभी आपको मिल पाएंगे जब आप आरसीएमसी में रजिस्टर्ड होगे। तो आरसीएमसी भी आप ले लीजिए, जो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके अलावा दोस्तों एनयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आप ले लीजिए। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का काम क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर जीएसटी के दो मेथड्स हैं। पहला, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप जीएसटी पेड कर दीजिए और रिफंड ले लीजिए, और सेकंड मेथड में आप जीएसटी पेड ही मत कीजिए गवर्नमेंट को। अगर आप सेकंड मेथड ऑप्ट करते हैं जहां पर आप विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी एक्सपोर्ट करते हैं, यहां पर एक सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट होती है जिसे एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बोलते हैं। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एवरी ईयर आपको लेना होता है। ये आपको जो लेना है दोस्तों वो अप्रैल से लेके और मार्च तक का इसका ड्यूरेशन रहता है। यानी कि एवरी ईयर जो 1 अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर आएगा तब आपको ये जो एलयूटी है ये आपको लेना है। उसके अलावा दोस्तों एडी कोड, ऑथराइज्ड डीलर कोड आपको लेना है, और ये जो एडी कोड मिलेगा ये आपको बैंक से मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कोई इसके चार्जेस नहीं लेते। एडी का मतलब ऑथराइज्ड डीलर कोड। क्या आपका जो बैंक है, बैंक की जो ब्रांच है, उसमें ये सुविधा अवेलेबल है कि फॉरेन करेंसी आ जाए और चली जाए? क्या आरबीआई के द्वारा दिया गया लाइसेंस उनके पास है? तो ये एडी कोड क्या है, इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो है हमारे चैनल पर, वो जाकर आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल में हमने चर्चा की है एडी कोड के बारे में। तो एडी कोड आपको लेना है, बैंक से लेना है। वो अपने फॉर्मेट में अपने लेटर हेड पर लिख के देते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो हमारे बैंक में है, हमारे बैंक का जो एडी कोड है वो ये है, पूरी इन्फॉर्मेशन है उसका, एनेक्सर एक फॉर्मेट है उसमें वो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, आपको ये लेना है। उसके अलावा दोस्तों आप ISO सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और जो ISO सर्टिफिकेट ले हैं ये इंडिया बेस्ड मत लीजिए, ये फॉरेन बेस्ड आप ले लीजिए। देखिए ISO का मतलब क्या है कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है, प्रॉपर देखिए सिस्टमेटिक वर्क यहाँ पर होता है, राइट? तो ISO आप ले रहे हो इंडिया से ले रहे हो तो इंडिया में तो बहुत कम प्राइस में आपको ISO मिल जाता है, लेकिन जो रेपुटेड कंपनी है उनका अगर आप ISO ले लोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, लीड कन्वर्जन में, ट्रस्ट जनरेशन में आपकी ज़्यादा हेल्प होगी, तो ये ISO आप ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है, डिजिटल सिग्नेचर आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जाते हैं, बिकॉज जो कस्टम पे रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारे ऐसे काम है जो डिजिटल सिग्नेचर के बिना नहीं होते, तो आपको एक डिजिटल सिग्नेचर बनाना है। उसके अलावा दोस्तों कस्टम में अपना रजिस्ट्रेशन करना है, आइस गेट पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अब ये आइस गेट क्या है, अगर आप इंडिया के अंदर पहली बार एक्सपोर्ट करोगे तो आपको किसी भी पोर्ट से एक्सपोर्ट करोगे तो वहां पर दोस्तों आपका प्रोफाइल रजिस्टर्ड होना चाहिए। आइस गेट क्या है हमारे पास चैनल पर एक वीडियो आप जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कस्टम अथॉरिटी की जो वेबसाइट आइस गेट पर आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना है, किसी भी पोर्ट से रजिस्ट्रेशन कराना है जिस पोर्ट से आप अपना गुड्स निकाल रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको इस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस में पड़ने वाली है। उसके अलावा जिस तरह का आपका प्रोडक्ट है उस तरह के जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो एक इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, राइट? आपको ये सब डॉक्यूमेंट अपने बनाने हैं। देखिए मैं एक जनरल बात आपसे कहना चाहता हूँ एक्सपीरियंस के बेस पे, डॉक्यूमेंट में कंजूसी ना करें। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं डॉक्यूमेंट बनाना ही पसंद नहीं करते, और कहते हैं कि सर ऑर्डर नहीं आ रहा, बाय ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो करेगा कहाँ से? जो बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वही आप यहाँ पर फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट बनवाइए। डॉक्यूमेंट आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट से बना सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे, हमारी टीम ये सारे डॉक्यूमेंट बना के आपको दे सकती है। हमारे यहाँ वन स्टॉप सॉल्यूशन है इन सब डॉक्यूमेंटेशन का, बहुत अच्छे प्राइसिंग में, बेटर सर्विसेज के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट हम आपको बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।